नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सा। स्वागत है आपका अब तक की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए झारखंड की तर्ज पर दिल्ली में बन सकता है महागठबंधन। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की सरगर्मियों के बीच दिल्ली में भाजपा विरोधी पार्टियों के बीच एकजुट होने की सुगबुगाहट चल रही है। बताया जा रहा है कि अनौपचारिक तौर पर इसे लेकर प्रयास शुरू हो गए। राजधानी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय बिहार के एक नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के बीच हाल ही में संभावना पर चर्चा हुई है। वहीं नेक्स्ट पर राहुल गांधी ने कहा, बजट पर किसानों, युवाओं और महिलाओं की आवाज नहीं सुनना चाहते मोदी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी बजट के संदर्भ में किसानों, युवाओं और महिलाओं और छोटे कारोबारियों की आवाज नहीं सुनना चाहते। दरअसल उन्होंने बैठक की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, बजट को लेकर मोदी की सबसे गहन विचार विमर्श बैठक उनके पूंजीपति मित्रों और सबसे अमीर लोगों के लिए आरक्षित होती है। गांधी ने दावा किया, उन्हें हमारे किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सरकारी एवं पीएसयू कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों या मध्यम वर्ग के करदाताओं की आवाज सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं नेक्स्ट पे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस सरकार आई तो हटा देंगे नागरिकता कानून और एनआरसी। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को बनारस पहुंची तो राजघाट स्थित रविदास मंदिर में उन्होंने दर्शन और पूजा की। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों और बजरडीहा के पीड़ितों से नागरिकता कानून एनआरसी को काला कानून बताया। इस काले कानून को खत्म करने की मांग की तो प्रियंका ने सभी को भरोसा दिलाया, कांग्रेसी सरकार आई तो यह दोनों कानून लागू नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से आंदोलन की जानकारी ली और कहा कि बिना हिंसा गांधीवादी तरीके से विरोध होना चाहिए। वहीं एक्सेप्टेड कांग्रेस का दिल्ली के दिल की बात, कांग्रेस के साथ अभियान शुरू। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली के दिल की बात कांग्रेस के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनावी अभियान शुरू करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दिल्ली के दिल की बात लोगों से कर रही है, हम चाहते हैं कि लोग हमें सुझाव दें। वही एक्सेप्टेड बीजेपी सांसद बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है आप सरकार। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून और भाजपा के समर्थन में युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। प्रदेश भाजपा कार्यालय से रैली शुरू होकर राजधानी के विभिन्न हिस्सों में गुजरते हुए पार्टी कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हुई। इसे विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया। इसमें शामिल युवाओं ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकता कानून को लेकर झूठ फैला रही है, माहौल खराब करने की साजिश हो रही है, इसलिए युवा सड़क पर उतरे हैं। वहीं एक्सेप्टेड, अनिश्चित काल के लिए नहीं बंद रख सकते इंटरनेट, जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों को लेकर जारी आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए। मालूम हो कि पाबंदियों में नेताओं के आने जाने पर रोक, इंटरनेट पर बैन आदि शामिल हैं। अदालत ने साफ साफ कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वहीं एक्सेप्टेड, तमिलनाडु में एनआरसी, नागरिकता कानून और एनपीआर के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध, तिरंगा के साथ किया प्रदर्शन। दरअसल तमिलनाडु में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने नागरिकता कानून और एनआरसी और एनपीआर का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काफी बड़े तिरंगे को लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी राज्य में नागरिकता कानून को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु के साथ ही दक्षिण भारत के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं एक्सेप्टेड, आज कोलकाता दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, चार धरोहर इमारतों को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी से कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने और धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार शनिवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में चार धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बयान में कहा गया कि इन इमारतों में पुराना करेंसी बिल्डिंग, बल्वेदेरे हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। संस्कृति मंत्रालय ने इनकी मरम्मत एवं साज सज्जा का काम किया है। वहीं एक्सेप्टेड, हरियाणा पुलिस कुछ इस तरह करेगी आपके कीमती सामान की सुरक्षा, चोरों के मंसूबे होंगे नाकाम। दरअसल ऐसी स्थिति में आपके कीमती जेवरात की सेफ्टी हिसार पुलिस कुछ अलग ढंग से करने जा रही है। डीएसपी अशोक कुमार द्वारा की गई मुहिम के तहत आमजन के लिए एक सुविधा शुरू की गई है। बाकायदा हिसार के तमाम थानों में एक विशेष निर्देश दिए गए, जिसमें कहा गया कि आमजन जब भी घर से बाहर जाएं तो बैंक लॉकर न होने की स्थिति में अपना कीमती सामान नजदीकी पुलिस थाने में जमा करवा कर जा सकता है। वापस आने पर उसे वो सामान मिल जाएगा। डीएसपी अशोक कुमार ने कुछ दिन पहले ही कैथल से तबादला होने के बाद हिसार में चार्ज संभाला है। वहीं एक्सेप्टेड, नागरिकता कानून एनआरसी जैसे मुद्दे पर भ्रम की सियासत में है मुस्लिम समाज। दरअसल मुसलमानों को आखिर केंद्र सरकार से क्या दिक्कत है, क्या वाकई सरकार इनके खिलाफ है? वह जब चाहती है जो चाहती है, इस तबके को भरोसे में लिए एक तरफा फैसला ले रही है।
ऐसी चर्चा इन दिनों आम हो गई है। इसी संदर्भ में सरकार ने एक सराहनीय फैसला लिया है। दरअसल 3 करोड़ परिवारों के बीच भाजपा के नुमाइंदे जाएंगे और नागरिकता कानून और NRC जैसे मुद्दे पर लोगों के बीच कायम भ्रम को दूर करेंगे। सरकार की ओर से अपना गया यह एक सकारात्मक रवैया है। वहीं एक्सपेक्टेड सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत में आई गिरावट। दरअसल रुपए में बढ़त के चलते सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव में 80 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट से अब सोने की कीमत 40,554 प्रति 10 ग्राम पर आ गई। गौरतलब है कि गुरुवार को सोना 40,634 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। चांदी में शुक्रवार को 200 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट से चांदी का भाव 47,695 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं एक्सेप्टेड नागरिकता कानून के विरोध से बेफिक्र है भाजपा, घर घर पहुंचा रही अपनी बात। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के जबरदस्त विरोध के बावजूद भाजपा बेफिक्र है। पार्टी का कहना है कि वह विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला जमीनी स्तर पर करेगी, न कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए। साथ ही उसका कहना है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देकर सरकार ने महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कानून के पक्ष में चल रहे पार्टी के प्रचार अभियान में केंद्रों में भी यही विचार है। पार्टी ने देश भर में गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और घर घर पहुंचकर कानून पर स्थिति स्पष्ट करने का अभियान शुरू किया है। वहीं एक्सेप्टेड तनाव कम करने को लेकर भारत पर है ईरान अमेरिका की निगाह, विश्व के लिए बनेगा शांति दूत। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के भविष्य में कम होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसके पीछे भारत में मौजूद ईरानी राजदूत का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि तनाव कम करने के लिए भारत द्वारा की गई कोशिशों का ईरान स्वागत करेगा। वहीं अब अमेरिका की भी तरफ इसी तरह की बात कही गई है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, किसी भी ATM या ब्रांच में जमा करें अपना पैसा, आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा डिपॉजिट। दरअसल कैसा होगा अगर आपको देश के किसी भी ATM में जाकर पैसा जमा करने की सहूलियत मिल जाए। वैसे तो यह सुनने में नामुमकिन बात लगती है, लेकिन यह बात सच होने जा रही है। केंद्र सरकार ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिसकी मदद से सभी बड़े बैंकों के ATM जोड़ दिए जाएंगे। योजना पर अमल होने के बाद आप किसी भी बैंक के ATM या ब्रांच जाकर अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकेंगे। वहीं एक्सेप्टेड तेजी से विकास करने वाले टॉप 30 शहरों में से 6 भारत के पहले स्थान पर केरल का मलप्पुरम। दरअसल विश्व के तेजी से विकास करने वाले टॉप 30 शहरों में से 6 भारत के हैं। इन 30 शहरों में पहले स्थान पर केरल का मलप्पुरम है। केरल के 3 अन्य शहर टॉप 15 में शामिल है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए अपने सर्वे में कहा गया कि शीर्ष 10 में स्थान हासिल करने वाले अन्य शहरों में चीन के 3 हैं और नाइजीरिया, ओमान, UAE, वियतनाम के 1-1 शामिल हैं। इस बात पर खुशी जताते हुए दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा कि छोटे शहरों का तेजी से विकास होने से रोजगार में काफी अवसर मिलेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, खुशखबर, RBI ने दी मंजूरी, अब वीडियो के जरिए भी करवा सकेंगे KYC। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया। RBI ने कहा कि अब बैंक अपने ग्राहकों के KYC वीडियो के जरिए भी करवा सकेंगे। इस संदर्भ में RBI ने मास्टर KYC गाइडलाइंस में संशोधन किया है। दरअसल इससे ग्राहकों को फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब KYC की प्रक्रिया मोबाइल वीडियो से बातचीत के आधार पर भी हो सकेगी। बता दें कि जिन बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए यह बड़ी राहत की बात है। वहीं एक्सपर्ट, किसान आत्महत्या, UP बिहार में आबादी ज्यादा लेकिन आत्महत्याएं कम। दरअसल आपको बता दें 10,349 यह आंकड़ा उन किसानों का है जो अब नहीं रहे। नेशनल क्राइम NCRB द्वारा हादसों में मौतों व आत्महत्याओं पर जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार इन किसानों ने 2018 में आत्महत्या कर ली। यह आंकड़ा देश में हुई आत्महत्याओं का 7.7% है और लगातार बिगड़ रहे किसानों के हालात बताता है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन के सफर में होगा मनोरंजन का तड़का, जल्द ही प्रीमियम ट्रेनों में शुरू होगी सुविधा। दरअसल आपको बता दें रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों का जल्द सफर ही मनोरंजन भरा होने वाला है। राजधानी शताब्दी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री जल्द ही अपनी मनपसंद फिल्म, गाने देख व सुन सकेंगे। ट्रेनों में ऑन डिमांड कंटेंट की सुविधा अप्रैल से मिलेगी। यह सेवा मुफ्त रहेगी। रेलवे विज्ञापनों के जरिए इससे कमाई भी करेगा। वही मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तटीय ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों में अगले 24 घंटे तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में मामूली वृद्धि होगी। पश्चिमी और दक्षिण पंजाब के कई हिस्सों में, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की संभावना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में प्रदूषण मध्यम श्रेणी में बना रहेगा। फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, 12 और 13 जनवरी को इन इलाकों में होगी बारिश। दरअसल उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में 12 और 13 जनवरी को बारिश एक बार फिर से दस्तक दे सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय रीजन में जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 12 और 13 जनवरी को बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी थमने के बाद भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। रामपुर निरमंड सड़क बजीर बाबर भूस्खलन के कारण बंद हो गई हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।